यहां से ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया। अब देखो स्ट्रिक्ट थ्रो, यहां मैं सेलेक्ट करता हूं और इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो लाइन कट गई। हालांकि ये डिजिटल है, हमारा कंप्यूटर डिजिटल हो गया सारा कुछ, तो इसकी जरूरत नहीं होती। हम बिल्कुल जो शब्द नहीं चाहिए उसको हटा करके लिख सकते हैं, कट नहीं कर सकते। ये तो मैनुअली हम करते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए कि जगह नहीं है, अब क्या करें, बस वहां हम काट देते हैं ऐसे। तो वो इफेक्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं, हटाना हो इसको सेलेक्ट करें, आप यहाँ से क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। ये है सब स्क्रिप्ट, ये है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या है, सुपर स्क्रिप्ट क्या है, मैं आपको नीचे बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आप लिखते हैं 10, 10 हो गया, और आप 10th लिखना चाहते हैं, TH लिखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, TH, तो ये कहाँ जाएगा, स्पेस देते ही ये ऊपर की तरफ चला गया। ये है सुपर स्क्रिप्ट, ये वाला, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ये इक्वेशन दे रहे हैं, यहाँ पे H2O, और ये 2 को नीचे ले जाना चाहते हैं, तो ये कहलाता है सब स्क्रिप्ट। नीचे ले जाने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा 2 को, और इस सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करना होगा। देखो H2O, ये जल का सूत्र है, यानी पानी का निर्माण ऐसे होते हैं, ये इसका सूत्र है। तो ये है सब स्क्रिप्ट, ठीक है, सब स्क्रिप्ट, और ये है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, सुपर ऊपर की तरफ जाता है, सब नीचे की तरफ आता है, बस इतना याद रखो। सब स्क्रिप्ट नीचे की तरफ लगेगा, सुपर होता है जो ऊपर की तरफ लगता है। समझ में आया? अब देखो इसको सेलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को, इनको हटा देता हूँ पहले, इसको सेलेक्ट किया यहां से। अब यहाँ पे ये है चेंज केस, इसको कहते हैं चेंज केस, चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। यानी अभी मान लीजिए कि आप कहीं काम कर रहे हैं ऑफिस में, और आपने टाइप कर दिया सेंटेंस केस। सेंटेंस केस होता है कि पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे होते हैं, लेकिन वहां के ऑफिस वाले बोल रहे नहीं 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 मुझे तो कैपिटल में चाहिए सारा कुछ, यानी बड़े शब्दों में चाहिए, कैपिटल लेटर में मुझे चाहिए, स्मॉल में नहीं चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, डिलीट करके दोबारा से लिखोगे? नहीं, यहाँ पे कमांड है, इसमें जाइए और अपर केस कर दीजिए, सारे कैपिटल में हो गए, कहीं पे स्मॉल में नहीं है, 1 सेकंड के अंदर सारा कैपिटल में हो गए। हो गया, देख पा रहे हैं सब लोग? यस सर ये कैपिटल में हो गया। तो ये जो कैपिटल में हो गया, ये कहाँ से लिया, चेंज केस से। चेंज केस में 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। ये चेंज केस हैज 5 टाइप, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टुगल केस। सेंटेंस केस के क्या होता है, सेंटेंस केस में होता ही है कि लाइन का पहला अक्षर बड़ा और बाकी सारे छोटे होते हैं। उसके बाद में लोअर केस आता है, लोअर केस में क्या होता है कि सारे छोटे हो जाते हैं, अपर केस में सारे बड़े हो जाते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा होता है, जितने भी शब्द हैं उसका पहला अक्षर बड़ा होता है। ठीक है, ठीक इसका उल्टा, यानी पहला छोटा बाकी सारे बड़े, टुगल केस, ये वाला। अब देखो कैसे करना है इसको, पूरे को हम सेलेक्ट करते हैं, यहां तक सेलेक्ट कर लिया, इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं। ये साइज छोटा होना चाहिए, एक पेज में आ जाए, इसको छोटा यहां से कर सकते हैं। अभी देखिए सारा कैपिटल में है, मैं क्या करूंगा, इसको पूरा सेलेक्ट करूंगा यहां से यहां तक, और इसको मैं यहां पे ले जाके स्मॉल लेटर में कर दूंगा। स्मॉल लेटर पे क्लिक करने से क्या हो गया, यानी लोअर केस पे क्लिक करने पे क्या हुआ, सारे छोटे में हो गए, कोई बड़ा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इन कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो। देखो
व्यू वीडियो का व्यू वी बड़ा प्रोवाइड का पी बड़ा आ बड़ा पावरफुल का पी बड़ा वे का डब्ल्यू बड़ा टू का टी बड़ा हेल्प का एच बड़ा आप ऊपर से कहीं भी देख लो इस तरीके से ये बन के रेडी है। इसका जस्ट अपोजिट टुगल केस, ये टुगल केस है, पहला छोटा बाकी सारे बड़े। ये देखो सारे रेड मार्क्स आ गए क्योंकि ये रेड मार्क्स आ क्योंकि स्पेलिंग में सारी स्पेलिंग मिस्टेक है, पहला छोटा बाकी बड़ा तो सारे स्पेलिंग मिस्टेक है, इस वजह से ये सब गलत बता रहा है आपको। तो आप क्या करोगे फिर इसको कि आपको यहीं जाके सेंटेंस केस पे क्लिक करना होगा। अब देखो सब ठीक हो गए, सारे ठीक हो गए। तो जब भी कोई गड़बड़ होती है आप इसको यूं बदल सकते हैं, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइलाइटर है, सपोज इतने को सेलेक्ट किया, मैं हाइलाइटर पे जाता हूँ ये हाइलाइटर पे और इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये हाईलाइट हो गया। हाइलाइटर क्या करता है, किसी शब्द को जोड़ देता है, उसको आप फट से हमारी निगाह वहां पहुंच जाती है, ठीक है। अब जैसे येलो पे है तो तुरंत हमारी निगाह पहले यही पहुंचेगी, या फिर इसको ना करके हम सेलेक्ट करते हैं इनको, और यहाँ पे ये तो येलो कलर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा कलर है, आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप उन कलर्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपका टेक्स्ट ब्लैक है तो आप येलो ले लो, ज्यादा बेटर दिखाई देगा। अगर आपका टेक्स्ट रेड है तो कुछ और ले लो, देखो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ भी दिखाई बहुत कम दे रहा है, तो बेटर है येलो ले लो। तो येलो ये आपका हो गया, ये हाइलाइटर होता है। मैनुअली हम क्या करते हैं, हाइलाइटर एक पेन जैसा होता है और किसी पेपर या बुक पे कोई इम्पोर्टेंट होता है तो वहां पे हम उस लाइन को थोड़ा कलर ऐसे कर, जैसे हुआ है वैसे हम कलर कर देते हैं ताकि हमें फिर से ध्यान हमारा चला जाए कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट शब्द है, ठीक है, होता है ना ऐसा। तो इसके बाद में अब आगे चलते हैं, ये हमारा है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टोपोग्राफी। टेक्स्ट का इफेक्ट यहाँ पे है, बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे पहले, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसके ऊपर, और देखो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, ये सारे डिजाइन है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वाला मुझे चाहिए तो पहले मैं लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ कथा, लैब, स्कूल, ठीक है। ये देखो ये इस टाइप से बन गई, यहाँ देखो इसको बनाना हो, इसको सेलेक्ट किया और मैं ये वाला दूंगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये साइज हम यहाँ से बड़ा कर पाएंगे, फिर जब बड़ा करना हो तो हमें यहाँ से बड़ा करना होगा, ये टेक्स्ट के अंदर ही है, ये जो है टेक्स्ट के अंदर ही है ये। लेकिन अगर एक और यहाँ पे है, ये चीज सेम इंसर्ट के अंदर भी है, वर्ड आर्ट में जाएंगे तो देखो वही चीज सेम है, लेकिन यहाँ जब भी लिखेंगे तो इस तरीके से लिख के आएगा, ये अलग सा। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख के बदल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैंने न्यू दिल्ली लिख दी, तो आप देखेंगे न्यू दिल्ली ऐसे लिखा हुआ ये दिखाई दे रहा है, ये और इसमें हम इसके साइज को बढ़ा सकते हैं या यहां से स्टाइल को बदल सकते हैं, हम यहां से भी बदल सकते हैं, देखो ये देखो बदल गया। और इसके अंदर हम चाहते हैं आउटलाइन का कलर कैसा देना चाहते हैं, रेड देना चाहते हैं रेड दे दो, देखो रेड हो गया आउटलाइन का कलर। फिर यहां चलते हैं शैडो, इसमें शैडो कैसे देना चाहते हैं वो भी हम बदल सकते हैं, ये शैडो है, शैडो आपको किधर देना है, इस तरफ देना है या इधर को देना है, इधर को दे दिया, देखो इसका शैडो इस तरफ आ गया, और शैडो का कलर भी हम बदल सकते हैं। देखो यहाँ से शैडो ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम इसके कलर को येलो कर देते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका कलर भी येलो हो गया है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी से हमें दिखाई दे,
देखो इसको शेडो कलर येलो हो गया, दिख रहा है सबको? यस सर, यस सर। ये देखो, ठीक है, फिर से सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर, फिर यहां जाते हैं, रिफ्लेक्शन देना हो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा नीचे की साइड में, या ग्लो देना हो तो ऐसे ग्लो आ जाएगा, जैसे येलो पे ग्लो दे दें। ये देखो ये ग्लो हो गया, यानी इसके बैकग्राउंड कलर में थोड़ा इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा ये। और कलर हम यहाँ से बदल सकते हैं, देखो शेडो में ये कलर था, तो मैं यहाँ इसको बंद करता हूँ, ग्लो में चले आता हूँ, ये ग्लो है, येलो कलर है, हम ऑरेंज देना चाहते हैं, ये ऑरेंज तो ऑरेंज दे दो, ऑरेंज हो गया। और यहाँ देखो साइज को बढ़ाना चाहे हम और साइज बढ़ा सकते हैं, देखो कम करना चाहे इसके साइज को बिल्कुल नील कर सकते हैं। ये देखो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं? शीशा को हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हम इस तरफ से उस तरफ को देख सकते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट, यानी कि एक तरफ से आप दूसरी तरफ को देख पाएंगे, ये ट्रांसपेरेंसी कहलाता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट यानी इस कलर के इधर उधर देखना हो तो आपको ट्रांसपेरेंट को देखो, पहले इसको सेलेक्ट कर लो, फिर इसको ऐसे कर लो, देखो कब हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो गया, लेकिन जैसे हम आधे पे लाएंगे यहाँ पे तो हमें दिखाई भी देगा ये। ये देखो आ गया, तो ये ग्लो के लिए होता है। इसमें और भी हम चले यहां से, वही चीज यहां पे भी है, सॉफ्ट एज ये इसमें नहीं है, 3D फॉर्मेट, 3D में आप बना सकते हैं इसको, जैसे ये ले लिया, इसमें 3D का इफेक्ट नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, तो ये हमारा यहां से वर्ड आर्ट से इसको हम अच्छे से अच्छा स्टाइल देके बना सकते हैं। ठीक है, इसको अभी डिलीट कर देता हूं, अब आगे चलते हैं इसमें। ये फॉन्ट का कलर है, जो भी हम कलर चाहे दे सकते हैं, फॉन्ट कलर ये सारा बहुत सारा है, ये कलर इतना है, ये पसंद नहीं आता है तो यहाँ देखो, ये भी पसंद नहीं आता तो मोर कलर में चले जाओ, यहाँ पे स्टैंडर्ड में बहुत सारे शेड हैं, अगर ये शेड भी पसंद नहीं आते हैं तो आप कस्टम में जाके अपना कलर खुद बना सकते हैं। इसको सेंटर में ले लो और यहाँ देखना न्यू कलर में दिखाई देगा, और इसको पकड़ के पॉइंट को खींचिए ऐसे, और ओके कर दीजिए, तो ये कलर, अब जैसे कोई भी कलर यहाँ पे आप जब भी सेलेक्ट कर देंगे, चाहेंगे कि वही कलर आ जाए, सेलेक्ट किया यहाँ से और वो कलर यहाँ आया हुआ है, इस पर क्लिक करें, देखिए वैसे बन जाएगा ये सेम कलर। तो ये फॉन्ट कलर है, हम फॉन्ट को कलर कर सकते हैं, फॉन्ट को हम कोई भी कलर में दे सकते हैं बिना उसको, जो भी कलर है वो ठीक है, जो नहीं है उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बुलेट, बुलेट क्या है इसके बारे में हम क्या करेंगे, यहां से मैं लिखना चाहूंगा तो मैं लिखता हूँ, एक मिनट वेट करो। ये मैंने कुछ शहर लिखे हैं, ठीक है, कुछ शहरों के नाम है ये, लेकिन आपको पता है कि इंडिया भी शहर है क्या? इंडिया भी शहर है, नहीं, इंडिया के अंदर ये सारे शहर हैं, ये सारे शहर इंडिया के अंदर हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया एक स्टेट है, बाकी सारे उसके शहर हैं।
आप देखेंगे कि इसमें मुझे कैसे पता लगेगा, ये तो सब इंडिया न्यू दिल्ली ये सब शहर ही लग रहे हैं, लेकिन जब इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ बुलेट दूंगा ऐसे, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इंडिया है, ये सारे उसके शहर हैं, क्योंकि ये सब लिस्ट हो गया, ये लिस्ट के अंदर है, ये सब लिस्ट हो गया, इसके अंडर आ गया ये। अब यहीं पे मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, अब ये जो यहाँ से लिखा लाजपत नगर, बदरपुर, तुगलकाबाद, गोविंदपुरी, कालका, तो ये कहाँ है? मुंबई में है। ये सारे जो जो नेम लिए मैंने ये सिलेक्टेड वाले, ये कहाँ पे है? मुंबई में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, कहाँ है? सर दिल्ली में। दिल्ली में है, तो ये दिल्ली के नीचे लिखा है। और यहाँ से देखो इंडेंट, इसको कहते हैं इंक्रीज इंडेंट, इस पर क्लिक करेंगे इंक्रीज इंडेंट, तो थोड़ा पीछे आ गया और ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया। तो कोई भी व्यक्ति अब देखेगा तो ये कह सकता है कि अच्छा ये दिल्ली के अंदर ये सारे नाम्स है, कालका जी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, बदरपुर, लाजपत नगर। मुंबई में अगर मुंबई के जगहों का नाम दे दे, जैसे गोरेगांव, कांदिवली, कुर्ला, मुंबई वीथी, तो मुंबई के अंदर आ जाता है। कलकत्ता में भी हम हावड़ा लिख देंगे तो कलकत्ता के अंदर आ जाएगा। चेन्नई में भी चेन्नई के शहरों के नाम लिख देंगे, लखनऊ में भी लखनऊ के जगहों के नाम लिख देंगे, पटना में भी पटना की जगहों के नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से पता लग जाएगा कि ये इन शहरों के अंदर है। ये सब टाइटल हो गया, टाइटल, सब टाइटल, और ये सब टाइटल के सब टाइटल हो गए। अब इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे जाके आप केवल बुलेट ले रहे हो, आप इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हो, ये कुछ भी, ये स्टाइल देखो, ये चार डॉट ले लो, ये भी ले लो, ये ले लो, साइन का निशान ले लो, कोई सा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सब भी ले सकते हैं, ये देखो, लॉक लेना लॉक ले लो, ये फोटो लेना फोटो ले लो, ये वाला लेना ये वाला ले लो। अब इसके साइज को यहां से बढ़ा दो तो इस तरीके से दिखाई देगा ये। मान लीजिए आपने कुछ बनाया, मैंने पेंट ब्रश में बनाया, ठीक है, यहाँ पेंट ब्रश लेते हैं हम, पेंट ब्रश, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा चित्र बनाता हूँ, ये बनाया मैंने इसको, और इसको बनाने के बाद में मैं यहाँ पे देखो 10 मिनट बाद क्लास क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये ले लिया मैंने इसको यहाँ पे, इसको अलग रखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम दूसरा लेते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ ये वाला, इसको ऐसे ले लिया, और यहाँ कलर कर लेते हैं, इसमें कलर भर लेते हैं ऐसे, फिर इसको उठाते हैं यहाँ से, और इसको उठाने के बाद में मैं यहाँ से, अब देखो ये क्या हो रहा है भाई, ये तो वाइट हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सेलेक्ट पे जाइए और यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिक हो गया ये। मान लो ये ले लिया और आपने यहाँ पे इसका कलर ग्रीन कर दिया, और आप चाहते हो कि ये हमारा बुलेट बन जाए वहां पे, तो बन सकते हैं, श्योर। आप इसको छोटा करें यहाँ पे, यहाँ से इस पोर्शन को पकड़ के इसको पूरा यहाँ तक रख, हो गया ये। अब इसको हम सेव करते हैं, सेव कहाँ करेंगे? डेस्कटॉप पे करेंगे, डेस्कटॉप पे करेंगे, ताकि आसानी से हमें मिल जाए। देखो यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब मुझे इसका बुलेट बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, वर्ड में जाऊंगा यहाँ से, और यहाँ पे जाकर के मैं बुलेट पे जाऊंगा यहाँ से, और नीचे देखो लिखा है कि चेंज लिस्ट डिफाइन न्यू बुलेट, चेंज लिस्ट लेवल और डिफाइन बुलेट, तो यहाँ जाना है डिफाइन बुलेट पे। अब यहाँ से बोल रहा है कि आपको क्या लेना है, फॉन्ट लेना है, पिक्चर लेना है, सिंबल लेना है,
तो पिक्चर पे चलते हैं यहाँ से और यहाँ वर्क फ्रॉम वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाएंगे और उस पिक्चर को ढूंढेंगे। देखो मिल गया अनटाइटल एंड इंसर्ट एंड ओके। देखो ये सब आ गया इसके ऊपर। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करके देता हूँ तो यहाँ पे भी आ जाएगा ये। देखो हमें इस पे देना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और वो चीज यहाँ आ चुका है, ऐसे दे देंगे। आ गया, जो डिजाइन बनाया वो आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका है। और इसको थोड़ा इंक्रीज ऐसे कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो भी आप डिजाइन बना के देना चाहते हैं, जैसा भी बनाना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी जगह हम नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ नंबर है बहुत सारा। देखो 001, 002, 003, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब नहीं था लेकिन आप मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे डिफाइन नंबर पे जाके आप यहाँ बदल भी सकते हैं। देखो बहुत सारा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, ये भी ले लो। ओके, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला भी आ गया। तो यहाँ नंबरिंग भी आप ले सकते हैं, ये सब इनमें से ले सकते हैं, और नहीं तो आगे से आप बना के भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अलाइनमेंट है। ये देखो इसको सेलेक्ट किया, सारा बुलेट हटा देते हैं और इसको भी मैं आगे की तरफ ले जाता हूँ। डिक्रीज, ये आगे ले जाने के लिए डिक्रीज इंडेंट इस पे। अब देखो इसको सेलेक्ट किया, इसको भी डिक्रीज किया, ये बिल्कुल सीध में आ गया यहाँ पे। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये बहुत स्पेस है, ये है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, चूज हाउ मच स्पेस अपीयर बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट और बिटवीन पैराग्राफ टू अप्लाई द सेम स्पेसिंग टू ए होल डॉक्यूमेंट, यूज द पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शंस ऑन द डिजाइन टैब। अब इसको क्या करना है, यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। स्पेस रिमूव कर दिया आपने, देखिए बहुत कम हो गई है, यहां तक फैला हुआ था, ये आधा हो गया। अब देखिए यहाँ 0.1.0 कर देंगे और थोड़ा ऊपर चढ़ा चल गया। आप चाहते इसको यहाँ से 1.115 ऐसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप चाहो 1.5 बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप चाहो तो 2.0 बढ़ा सकते हो, या फिर आप सीधा 1.0 करके ऐसा ले सकते हो। यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे, दिखे ताकि स्पष्ट दिखाई देगा ये। ठीक है, यस सर, इतना समझ में आया? यस सर, अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसका बैकग्राउंड कलर कर रहा हूं। इसको सेलेक्ट किया, इसके बैकग्राउंड को कलर करना हो तो ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे जाके हम दे सकते हैं। देखो हो गया ये, इसका बैकग्राउंड सारा कलरफुल हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये अल्फावेट में आ जाए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ये इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से, ये अल्फावेट के ये पैराग्राफ, ठीक है ओके, यहाँ सेलेक्ट होना चाहिए ये पूरा पैराग्राफ टेक्स्ट। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि ए बी सी डी ऐसे करके आएगा या 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिसेंडिंग करते हैं तो यही उल्टा हो जाएगा, जेड वाई ऐसे करके, एक्स वाई जेड है ना, तो जेड एक्स जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे करके हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। देखो ये सब बदल गया, बी वाले ऊपर चले गए, फिर सी वाले, फिर डी वाले, जी आई। अब देखो इंडिया सबसे ऊपर था, ये इंडिया नीचे आ गया, के वाला, एल वाला, एम पी और टी। कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड का मतलब अंडू। ठीक है, वन स्टेप बैक। अब यहाँ पे कहाँ कमांड है कंट्रोल, तो यहाँ पे देखो ये अंडू कमांड है और ये रीडू कमांड है। इसका शॉर्ट कमांड है हमारा कंट्रोल जेड। देखो ये लिखा हुआ आएगा ऑटोमेटिक, और कंट्रोल वाई रीडू रीडू कमांड है, ये अंडू कमांड है और ये रीडू कमांड है। अब देखो इसके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर पे चलते हैं, यहाँ चलते हैं असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे और ओके। तो टी वाले ऊपर चला गया, बी वाला नीचे आ गया। ठीक है,
अब हम फिर से चलते हैं, इसको कंट्रोल जेड करते हैं। पहले जैसा हो जाएगा अभी। कोई नहीं, इसको असेंडिंग कर देते हैं। ओके ठीक है। अब इसके जो कलर हैं ये हम चाहे तो हटा सकते हैं यहाँ से, इसको हटा सकते हैं या दूसरा कलर ले सकते हैं ये, और यहाँ से इस पर बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर का मतलब चारों ओर बॉर्डर देना हो तो ऐसे, अगर बाहर बाहर बॉर्डर देना हो तो आउटलाइन आउटसाइड, अगर राइट में बॉर्डर देना है तो राइट बॉर्डर, लेफ्ट में देना है तो लेफ्ट बॉर्डर। ठीक है, टॉप में बॉर्डर देना है टॉप बॉर्डर, बॉटम में देना है तो बॉटम बॉर्डर। तो इस तरीके से आप बॉर्डर दे सकते हैं। अगर इसके इनसाइड में बॉर्डर देना हो तो इनसाइड दे सकते हैं, आउटसाइड में बॉर्डर देना हो तो आउटसाइड दे सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इनसाइड ये है, बाहर कहीं बॉर्डर नहीं मिलेगा, केवल एक एक लाइन बना हुआ है। ठीक है, और आउटसाइड में जाते हैं तो ये बाहर बाहर का बॉर्डर मिलेगा केवल। अब देखो यहां तक मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया, इसमें कुछ पूछना है किसी को? Have you any question? No, sir.